देखो भाई, आज हम जो है ना 10th क्लास का एक चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आरडी शर्मा के मैथ में तो आपका 6th चैप्टर है, पर एनसीईआरटी में आपका 7th चैप्टर है। पर मैं तो आपको आरडी शर्मा में से करवाऊंगा जो कि आपका 6th चैप्टर है भाई। चैप्टर का नाम आपका भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका आरडी शर्मा के मैथ में 6th चैप्टर है और एनसीईआरटी में आपका कौन सा भाई 7th चैप्टर है। देखो जो चैप्टर की शुरुआत है ना, देखो वो कहाँ से होती है। ये जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है ना, ये एक प्लेन है। कौन? ये एक प्लेन है और हम हमेशा प्लेन के अंदर दो एक्सिस लेके चलते हैं भाई, एक एक्स एक्सिस और एक मेरी कौन वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं मेरी? परपेंडिकुलर। ये मेरी एक्स एक्सिस है भाई और ये मेरी कौन है वाई एक्सिस है भाई। ये कौन है मेरी? वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। देखो जो एक्स एक्सिस है ना, इसके आपके दो नाम होते हैं भाई। दो नाम कौन कौन से? चाहे एक्स एक्सिस को और चाहे को ओरिजेंटल लाइन, एक ही बात है भाई। एक्स एक्सिस को या ओरिजेंटल लाइन को, एक ही बात है। जो वाई एक्सिस है ना, इसके भी आपके दो नाम होते हैं, चाहे वाई एक्सिस को और चाहे को वर्टिकल लाइन, चाहे इसको क्या बोल लो भाई, वर्टिकल लाइन को, एक ही बात है। दूसरी बात, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कहीं पर लिखा हो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप क्या समझोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जिक्र है। उसके बाद भाई जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आपस में क्या होते हैं मेरी? परपेंडिकुलर। जहां पर दोनों करते हैं इंटरसेक्ट, उसका नाम मेरा होता है भाई ओरिजन भाई। क्या नाम होता है मेरा? उसका ओरिजन होता है। ये जो पूरा पूरा सिस्टम आपके सामने बना हुआ है ना, इस पूरे सिस्टम का नाम होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। पूरे का नाम क्या होता है भाई? रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम को या फिर कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं भाई। ये जो पूरी की पूरी चीज आपके सामने बनी हुई है ना, इसका नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। दोबारा फिर सुनो, ये जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है, इसका नाम होता है प्लेन। और प्लेन के ऊपर दो एक्सिस आप लेके चलते हो, एक होती है एक्स एक्सिस, एक मेरी होती है वाई एक्सिस। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। दोनों जहां पर करते हैं इंटरसेक्ट, उसका नाम होता है ओरिजन। ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, इसके दो नाम है, एक्स एक्सिस को या फिर ओरिजेंटल लाइन। ये जो आपकी वाई एक्सिस है, इसके भी दो नाम है, चाहे वाई एक्सिस को चाहे को वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं भाई। और ये जो पूरा पूरा सिस्टम आपके सामने बना हुआ ना, इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। दूसरी बात भाई, ये आपका ओरिजन हो गया। ओरिजन के इस साइड में एक्स के प्लस की वैल्यू होंगी, जैसे 1, 2, 3 अप टू 7। इस साइड में एक्स आपका माइनस होता है, जैसे हम -1, -2, -3 अप टू 7। ऊपर वाई प्लस का होगा भाई, ऊपर वाई क्या होगा? प्लस का, 1, 2, 3 अप टू 7। नीचे आपका वाई माइनस का होता है, जैसे -1, -2, -3 अप टू 7। उसके बाद एक चीज और भाई, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, वो आपका एक्स और वाई से मिलके बनता है। इस प्लेन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, आप कोई भी पॉइंट लोगे, वो किससे मिलकर बनता है भाई?
एक्स और वाई से मिलकर बनता है। जैसे मान लिया आपको चेक करना हो कि ये पॉइंट मेरा कौन है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है, तो आप कैसे चेक करोगे कि इस पॉइंट की सीध में एक्स मेरा क्या है और इस पॉइंट की सीध में वाई मेरा कौन है। एक्स मेरा कौन है 2 और वाई भी मेरा कौन है 2, तो ये पॉइंट मेरा कौन होगा भाई, ये पॉइंट मेरा बनेगा 2,3। तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे ना वो एक्स वाई से मिलकर बनेगा। यानी आप कैसे चेक करोगे कि उस पॉइंट के कौन है कोऑर्डिनेट, आप देखोगे इस पॉइंट की सीध में एक्स पर क्या वैल्यू है और उस पॉइंट की सीध में वाई पर क्या वैल्यू है, तो वो मेरा वो पॉइंट कहलाऊंगा। जैसे मान लो आपको चेक करना हो भाई ये पॉइंट आपका कौन है, ये जो पॉइंट है ना वो कौन है, पहले एक्स चेक करोगे कि इसकी सीध में एक्स की क्या वैल्यू है -1 और वाई की क्या वैल्यू है भाई, वाई की वैल्यू आपकी 2 है ना, तो आपका पॉइंट बनेगा -1,2। कर लोगे तो कोई भी पॉइंट हो प्लेन के ऊपर वो किससे मिलकर बनता है आपका, एक्स और वाई से मिलकर बनता है। इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट का वाई कंपोनेंट, इसको क्या बोल लोगे एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। बल्कि एक चीज और भाई, जो एक्स कंपोनेंट है ना इसका एक नाम और भी होता है, इसको अवशिषा भी बोल देते हैं, इसको भाई अवशिषा भी बोल देते हैं। जो आपका ये वाई कंपोनेंट है ना या फिर वाई कोऑर्डिनेट को इसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। कोई भी पॉइंट हो वो एक्स और वाई से मिलकर बनता है, इसको एक्स कंपोनेंट को या अवशिषा को या फिर एक्स कोऑर्डिनेट एक ही बात है, इसको वाई कंपोनेंट बोलो या वाई कोऑर्डिनेट बोलो या ऑर्डिनेट को एक ही बात है। कर लोगे यहाँ तक तो। इसके बाद भाई ये आपकी एक्स एक्सिस है या आपकी वाई एक्सिस है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, जैसे मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर ये कोई पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक खास बात होती है, एक्स एक्सिस में क्या खास बात हो है, उसके ऊपर वाई जीरो होता है, उसके ऊपर वाई मेरा कौन होता है जीरो, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होगा, पूरी की पूरी वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होता है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका कौन होगा, ये वाला पॉइंट आपका एक्स या 2 और ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो वाई आपका जीरो होगा भाई। यानी अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना तो उसमें खासियत होगी वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस में खास बात एक्स जीरो होता है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आपका कौन होगा, पहले तो आप एक्स ही लिखोगे हमेशा, पहले एक्स बाद में वाई। अब ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स आपका जीरो होगा और वाई कौन होगा मेरा 3 है, 3 लिख दोगे। तो एक्स एक्सिस में क्या खास बात हो है, एक्स एक्सिस में खास बात हो वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस में खास बात एक्स जीरो होगा। यानी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना तो आपको वो ऐसा मिलेगा एक्स कोमा जीरो, तो आपको वो जो पॉइंट है ना इस टाइप का मिलेगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो एक्स कोमा जीरो टाइप का होगा, यानी उसमें वाई जीरो होगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपको बोलते हैं भाई कोई पॉइंट है और वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है और वो तुमने बताना हो तो आपको मानना पड़ेगा, तो आप उसको ऐसा ऐसा मानोगे कि वो पॉइंट जरूर एक्स कोमा जीरो टाइप का होगा। अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस में खास बात एक्स जीरो होगा, यानी वो पॉइंट आपका कैसा होगा 0,y टाइप का। यानी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर है ना तो दोनों में से एक अगर जीरो है, दोनों में से एक अगर जीरो है तो पक्की बात है वो जो पॉइंट है ना या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई जीरो होगा, अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स जीरो होगा मेरा। क्वेश्चन देखो भाई, आना एक बार एक्सरसाइज 6.1 में। तो ये जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम तो आरडी शर्मा में से पढ़ेंगे और आरडी शर्मा में आपको ये 6th चैप्टर है भाई और एनसीईआरटी में आपको ये 7th चैप्टर दिया हुआ है। तो आना एक बार एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ो एक बार, क्या कहो भाई एक्सरसाइज आपकी 6.1।
और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ भाई, ऑन विच एक्सिस डू दी फॉलोइंग पॉइंट, फॉलोइंग पॉइंट लाई। आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए भाई, और आपने बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई करें। जैसे आपका पहले पार्ट है, पहले पार्ट में है भाई 5.0 है, 5.0 कोई पॉइंट है, और आपने बताना है कि ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है कि वाई एक्सिस के ऊपर है। अब देखो इसमें वाई जीरो है, अगर वाई जीरो हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और एक्स जीरो हो तो वाई एक्सिस के ऊपर। अब इसमें वाई जीरो है ना, तो ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा। तो लिखोगे देयर फॉर पॉइंट लाई इन, तो वाई जीरो है ना, तो कहाँ होगा भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ये आपका। अगर एक्स जीरो हो तो वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई जीरो हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। जैसे और देखो, जैसे आपका सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट में क्यों कोई पॉइंट है, क्यों आपका 0.-2, क्यों कौन है मेरा 0.-2, और आपने बताना है कि ये पॉइंट आपका कौन सी एक्सिस के ऊपर है। तो देखो इसमें क्या खास बात है, अब की बार आपका एक्स कंपोनेंट जीरो है, अब की बार कौन है भाई, एक्स कंपोनेंट जीरो है, तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई जीरो मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स जीरो होगा। अब एक्स जीरो है ना, तो पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा भाई, ये वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा। कर लोगे ये तो, क्वेश्चन नंबर टू में आना भी एक बार। पढ़ो क्वेश्चन नंबर टू एक बार। जो क्वेश्चन नंबर टू है ना, इसमें लिखा हुआ भाई, लेट ए बी सी डी, बी ए स्क्वेयर, ए बी सी डी कोई स्क्वेयर है भाई, ऑफ साइड 2A, और जिसके जो साइड वो कौन है, 2A है, पर आपने बताना क्या है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी वर्टिसेज, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी वर्टिसेज ऑफ दिस स्क्वेयर, ऑफ दिस स्क्वेयर। और जो आपका पहला पार्ट है ना, इसमें क्या लिखा हुआ भाई, इसमें लिखा हुआ है कि जो ए है ना, यहां लिखन है व्हेन ए कोइनसाइड माने होता है मिलना, विद दी ओरिजन एंड ए बी एंड ए डी, एंड ए बी एंड ए डी आर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई रिस्पेक्टिवली, आर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई रिस्पेक्टिवली। भाई पढ़ना एक बार सेकंड पार्ट, उसके बाद देखेंगे क्या को है। ए बी सी डी कोई स्क्वेयर है, क्या होता है स्क्वेयर, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, और डायगोनल भी क्या होते हैं मेरे, इक्वल होते हैं भाई। तो ए बी सी डी कोई स्क्वेयर है जिसकी जो साइड है वो कौन आपकी, 2A है भाई। बनाने एक बार, ये मान ले ए बी सी डी कौन है मेरा, कोई स्क्वेयर है, जैसे ये मान ले आपका ए है, ये मान ले बी, ये सी, और ये मान लो कौन है भाई डी। लिखना आपका चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, लिखोगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लिया आपने यहां से लिखना स्टार्ट कर ए, तो बी फिर यही लिखोगे, ये नहीं कि आप ये लिख दोगे, कभी भी क्लॉकवाइज लिखने नहीं होते, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। लिखना चाहे आप यहां से स्टार्ट कर दो कि ए बी सी, लिखोगे ऐसे, तो ए बी सी डी कौन है मेरा, कोई स्क्वेयर है।
इसमें खास बात ऑल साइड इक्वल होंगी और जिसकी जो साइड है वो कौन है भाई 2a है, जिसकी जो साइड्स है ना वो आपको 2a दी हुई है भाई। और आपको बताना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर। आपने इस स्क्वायर के जो वर्टिसेस है ना उसके क्या बताने, कोऑर्डिनेट। तो इसके वर्टिसेस कौन होते हैं भाई, इसके वर्टिसेस देखो ये होते हैं, ये जो चार हुआ ना ये स्क्वायर के कौन कहलाते हैं, वर्टिसेस। और इनके आपने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। और खासियत क्या है, कब बताने हैं, ए कोइंसाइड, जो ए है ना वो आपका कहां पर मिले, विद द ओरिजिन। ए आपका ओरिजिन के ऊपर क्या कर, कोइंसाइड माने मिले। एंड ए बी और ए डी ओ एक्स एंड ओ वाई रिस्पेक्टिवली। देखो वो क्या कहो है, जैसे मान लिया आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये मान लिया आपकी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी कौन है, कोई स्क्वायर है भाई। अब ए बी आपकी क्या है, ए बी आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, जो ए बी है ना वो ओ एक्स माने एक्स एक्सिस का अलोंग है रिस्पेक्टिवली है ना। तो पहली चीज पहले का साथ और दूसरी चीज दूसरे का साथ है, यानी आपने जो स्क्वायर है ना वो ऐसा बनाना है, स्क्वायर आपने ऐसा बनाना है कि जो उसकी ए बी साइड है ना वो तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो और जो उसकी ए डी है ना, जो उसकी ए डी है वो ओ वाई का लॉन्ग यानी वाई एक्सिस का लॉन्ग हो। तो आपने ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पर इस तरीके से रखना है कि ये साइड तो इसका लॉन्ग आ जाए यानी इसको ऊपर का है और ये साइड इसको ऊपर का है। और ये जो कहाँ पर कोइंसाइड करें, ये जो है ना कहाँ पर कोइंसाइड करें, आपकी ए के ऊपर क्या करें, कोइंसाइड। यानी आपका जो स्क्वायर है ना वो कुछ ऐसा भी ए बी सी और डी, कुछ आपका स्क्वायर ऐसा ऐसा है कि जो ए बी है ना वो तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, जो ए डी है वो आपकी ओ वाई का लॉन्ग, ओ वाई यानी वाई एक्सिस का लॉन्ग आपको बनानी है। और इसकी जो साइड है वो कौन है भाई, 2a है। साइड कौन है इसकी, हर एक साइड आपकी 2a है। और आपने इस स्क्वायर के जो वर्टिसेस है ना उसके क्या बताने हैं भाई, कोऑर्डिनेट। यानी ये और ये और ये जो पॉइंट है ना ये आपने बताने हैं। अब देखो a तो मेरा कौन है, ओरिजिन है, a तो मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, 0 0। ये तो आपको पता होगा यहाँ पर x भी 0 होता है y भी 0 होता है, यानी एक तो कौन होंगे, एक तो आपके 0 0 होंगे। उसके बाद b के ऊपर आ जाओ, अब देखो b में खासियत है वो x एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो y तो 0 होगा, y तो कौन होगा, 0। अब x चेक करो, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो 2a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कौन है, 2a। तो ये पॉइंट आपका 2a होगा। अब यहाँ x आपका 2a है, y तो 0 है, यानी b कौन होगा मेरा, b मेरा बनेगा 2a, 0। उसके बाद d निकाल लो, अब देखो d पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर है, t आपका कहाँ पे है भाई, y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस में खास बात है x 0। अब देखो ये जो पॉइंट है ना इसका x तो 0 है, y देखो कौन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2a है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू 2a है। तो ये पॉइंट मेरा कौन हो जाएगा, 0, 2a। तो c मेरा कौन होगा, 0, 2a, क्योंकि ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस में खास बात x 0। अब ये देखो ये तो बाकी जगह है ना, यहाँ पर तो आप क्या चेक करोगे कि इसकी सीध में x पर क्या वैल्यू है और y पर क्या वैल्यू है, इसकी सीध में x पर क्या वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 2a, तो आपका 2a पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 2a, ये भी आपका 2a पॉइंट है, यानी c की वैल्यू कौन होगी, 2a, 2a, क्योंकि इसकी सीध में x भी 2a है और इसकी सीध में y भी कौन है, 2a है ना। तो c मेरा कौन, ये d है मेरा भाई, तो c मेरा कौन होगा, c मेरा बनेगा 2a, 2a, तो ये बनेंगे।
तो इनमें भाई कुछ भी नहीं है अगर आप ध्यान से करोगे तो। जो बातें मैंने बोली है ना वो थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको समझनी है कि ए बी सी डी को स्क्वेयर है जिसके जो साइड वो कोण है 2a है और इसके जो वर्टिसेस है ना इनके आपने बताने कोऑर्डिनेट। और इस स्क्वेयर में क्या खासियत है, इस स्क्वेयर में खासियत है भाई कि जो मेरा a है ना वो कहां पर जाकर कोइंसाइड है, कहां पर जाकर मिले हैं वो ओरिजिन के ऊपर मिले हैं, यानी a आपका ओरिजिन के ऊपर है, जो ये a पॉइंट है ना वो ओरिजिन के ऊपर है। ए बी ओ एक्स कर लूंगा, ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस को बोलते हैं ओ एक्स, और जो ए डी है ना वो आपकी ओ वाई यानी वाई एक्सिस कर लूंगे, यानी कुछ ऐसा फिगर आपका हो और आपने इस ए बी सी और डी के बताने कोऑर्डिनेट। अब ए तो आपका ओरिजिन है, इसके तो 0.0 होते हैं। अब बी के निकाल लो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2a है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 2a है। अब ये पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर है तो y तो 0 होगा, x से मेरा 2a, ऐसे इसका निकाल लिया और c के बारे में 2a, 2a बनेगा। अब जो इसी का सेकंड पार्ट है ना वो पढ़ना एक बार भाई। इसी के सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर इज एट ओरिजिन। देखो क्या कहो भाई, इसी का जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहो है कि द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर इज एट द ओरिजिन, कि जो आपका स्क्वेयर है ना उस स्क्वेयर में, यानी जो स्क्वेयर इस स्क्वेयर में क्या खास बात है, इसका सेंटर आपका कौन है, ओरिजिन है, यानी ये स्क्वेयर कुछ ऐसे फैला हुआ है कि सेंटर कौन है मेरा भाई, ओरिजिन है, यानी ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी सेम है और आपने बताना क्या है। और उसके बाद एक खास बात और भी लिखी हुई है कि जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर पैरेलल टू साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, यानी जो ए बी है ना वो तो आपकी एक्स एक्सिस कर लोगे, ए बी तो आपकी किस कर लोगे एक्स एक्सिस गए सी डी, और जो आपकी ए डी है ना वो किस कर लोगे भाई वाई एक्सिस गए। तो पहले आप ये फिगर बना लोगे एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये आपका ओरिजिन होगा। तो कोई स्क्वेयर है उस स्क्वेयर का जो सेंटर है वो तो कौन है ओरिजिन, यानी स्क्वेयर आपके बाहर यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ से क्या है मेरा इक्वल डिस्टेंस, यानी उसका सेंटर आपका ओरिजिन है। उसके बाद जो ए बी साइड है ना वो तो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, देखो पैरेलल है, और जो आपकी ए डी है ना वो वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो ऐसे ही बनेगा फिर फिगर। और आपको जो चार वर्टिसेस है ना इनके क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट। देखो कैसे बताओगे, इसकी जो लेंथ है ना साइड जो है वो 2a है, अब 2a तो पूरी है ना, अगर 2a मेरी पूरी है तो आप इधर होगी, अरे बीच में बन रही है ये पूरी आपकी 2a है, तो a ये हो जाएगी और ये भी कौन होगी मेरी, ये भी मेरी ए ही बनेगी, ऐसी ए मेरी ये और ए मेरी ये बनेगी, ए मेरी ये और ए मेरी ये बनेगी, और ऐसी ए मेरी ये और ए मेरी डिस्टेंस ये बनेगी, ये सारी आपकी ए ए बनेंगी, ये सारी आपकी कौन होंगी ए ए। अब निकाल दो फिर ये ए बी सी डी के जो भी बनेंगे कोऑर्डिनेट, पहले ए के लिखो तो क्या चेक करोगे कि ए की सिद्ध में एक्स मेरा क्या है और वाई मेरा क्या है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है, यानी x यहाँ पर a होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो यहाँ पर वही होगी वो भी a है, तो a कोमा पर देखो y माइनस का है, अरे x माइनस का उल्टा लिख दिया, रुको भी एक बार, पहले x लिखोगे ना, x लिखोगे तो x मेरा यहाँ माइनस का नहीं है ओरिजिन के साइड, तो माइनस का है, और y भी किसका मेरा माइनस का, क्योंकि नीचे है ना तो माइनस का ही। अब बी के लिखो तो क्या चेक करोगे बी के सिद्ध में एक्स मेरा कौन है, देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर यो ए है तो यह भी ए बनेगी ए, और वाई भाई वो भी ए है तो ये क्या होगी मेरी, पर नीचे है ना तो माइनस का ए बनेगी, ऐसे तुम इसके लिख दो।
अब देखो यहां से लेकर यहां तक कि ए है डिस्टेंस एंड एक्स की वैल्यू ए है, यहां से यहां तक भी सारी ए ए है, तो ये ए कोमा ए हो जाएगा। और इसके बारे में पहले तो एक्स लिखोगे तो डी के कौन होंगे, देखो एक्स माइनस का ना तो माइनस का ए, पर वाई तो ऊपर प्लस का ही होगा, ये भी डिस्टेंस ए है तो ये बनेगी। ये हो गया आपके चारों पॉइंट हो गए कौन कोऑर्डिनेट। तो चलो तुम्हारा पहले दो करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।